Hello students, in our series of cycloalkanes, this one is our last theory, that is Colson and Moffitt model. ठीक है, हम लोग ये theories क्यों पढ़ रहे हैं? हमने अपने last videos में Bear's Fin theory, Shaas and Moore models ये देखे, so that हम explain कर सकते हैं reactivity of cycloalkanes. Correct? हम ये explain कर सकते हैं कि क्यों cyclopropane और साइक्लोब्यूटेन रिंग ओपनिंग रिएक्शंस दिखाते हैं और बाकी के सारे साइक्लोअल्केन्स ये रिएक्शंस नहीं दिखाते. हमने ऐसे पढ़ा, दे शो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस और वी कैन कॉल देम एज एडिशन रिएक्शंस ऑफ साइक्लोअल्केन्स. बाकी के साइक्लोअल्केन्स ये रिएक्शन नहीं दिखाते. तो इसको हमने एक्सप्लेन किया बेयर स्ट्रेन थ्योरी से भी, और बेयर स्ट्रेन थ्योरी के जो लिमिटेशंस थे उसको एक्सप्लेन किया शास एंड मोर मॉडल से. नाउ वी मूव टू अनदर थ्योरी विच इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल थ्योरी विच कैन एक्सप्लेन अस कि वाई ओनली दीज टू साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन दे शो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस एंड वाई नॉट अदर साइक्लोअल्केन्स. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस थ्योरी, कोल्सन एंड मोफिट थ्योरी. ठीक है, कोल्सन एंड मोफिट थ्योरी, ये थ्योरी अपना बेस बनाती है इस बात पर. द बेसिस ऑफ द थ्योरी इज ग्रेटर द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. नाउ व्हाट डज दिस मीन? से फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉन्ड इज बॉन्ड बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सी दिस इज द ओवरलैप, सो बॉन्ड इज स्ट्रांग. इफ द ओवरलैप इज लाइक दिस, बॉन्ड इज इवन स्ट्रांगर. इफ द ओवरलैप इज जस्ट लाइक दिस, बॉन्ड इज वीक. सो इफ देर इज मैक्सिमम ओवरलैप पॉसिबल देन द बॉन्ड इज स्ट्रांग. इफ द ओवरलैप इज वीक द बॉन्ड इज वीक. करेक्ट, ये कोल्सन एंड मोफिट का बेस है. अगर बॉन्ड वीक है तो जल्दी इजीली ब्रेक हो सकता आसानी से. तो नाउ लेट अस सी कि कैसे बॉन्ड स्ट्रांग या वीक हो रहा इन साइक्लोअल्केन्स. सी फॉर एग्जाम्पल, अगेन वी गो बैक टू अवर कंसेप्ट ऑफ वॉन्टॉफ एंड लीबल मॉडल कि भाई हर कार्बन का एंगल होना चाहिए 109 degree 28 inches, तो वो अपने मैक्सिमम ओवरलैप में रहता. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट समथिंग लाइक साइक्लोपेंटेन, द बॉन्ड एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 108 degree, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ वॉट वॉन्टॉफ एंड लीबल सेज 109 degree 28 inches. ठीक है, तो इस केस में ये ओवरलैप के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये ओवरलैप कैसे हो रहा. सी इफ आई हैव अ sp3 ऑर्बिटल लाइक दिस, अल्केन्स में जो ऑर्बिटल्स हैं वो sp3, आई हैव अनदर sp3 ऑर्बिटल लाइक दिस. सो लुक एट दिस ओवरलैप, बिकॉज बॉन्ड एंगल वो सेटिस्फाइड है. अगर सिंपल प्लेन अल्केन्स भी हो जैसे कि हेक्सेन, तो हर दो अल्केन्स के बीच में जो ओवरलैप रहेगा दैट विल बी परफेक्ट, बिकॉज हर एक अपनी 109 degree 28 inches के बॉन्ड एंगल में कंफर्टेबल है. ठीक है, तो इनके अंदर मैक्सिमम ओवरलैप दिखेगा. यही बात हम समझते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन है तो दिस बॉन्ड एंगल इज हाईली रिड्यूस्ड, बॉन्ड एंगल इज हाईली रिड्यूस्ड. सो लुक एट द ओवरलैप नाउ. द ओवरलैप इज कंपेरेटिवली लेसर एज कम्पेयर टू दिस ओवरलैप. हमने पहले ही बोला कि अगर ओवरलैप अच्छा तो बॉन्ड इज स्ट्रांग, अगर ओवरलैप कम. क्यों कम हो रहा है? क्योंकि यहां बॉन्ड एंगल 60 degree हो गए, तो ऑल द ऑर्बिटल्स आर नॉट कंफर्टेबल, इसलिए उनका ओवरलैप कम हो रहा है. कम ओवरलैप, लेसर ओवरलैप मेक्स द बॉन्ड वीक, एंड इफ द बॉन्ड इज वीक देन दैट बॉन्ड कैन इजिली ब्रेक एंड गेट सब्जेक्टेड टू एडिशन रिएक्शन. इसी तरीके से अगर हम सोचे फॉर एग्जाम्पल साइक्लोब्यूटेन, यहां भी बॉन्ड एंगल 90 degree है, मतलब वो अपने कंफर्टेबल ज्योमेट्री में नहीं है. अब यहां पर भी जो ओवरलैप होगा, फॉर एग्जाम्पल ये दो ओवरलैप, तो दिस इज slightly more than propane, cyclopropane, but it is less than cyclopentane and all the higher cycloalkanes.
चाहे फिर साइक्लोहेक्सेन ले लो, साइक्लोऑक्टेन ले लो, साइक्लोन 109 डिग्री से ज्यादा एंगल रहा, जैसे यहाँ पर दे आर लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन अल्केन्स में, वो तो 180 डिग्री हो गया ना, बट दे आर इन कंफर्टेबल पोजिशन, दे आर इन द ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम अगर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 इंचेस है। लेकिन साइक्लोप्रोपेन में क्योंकि बॉन्ड एंगल कम है, बॉन्ड एक बेंड फॉर्म में आ जाता, मतलब साइक्लोप्रोपेन के अगर आप बॉन्ड्स को विजुलाइज करें तो बॉन्ड कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट बॉन्ड्स दे लुक लाइक दीज बेंड बॉन्ड्स, एंड दीज बेंड बॉन्ड्स कैन बी वेरी इजिली बी ब्रोकन, एंड सो साइक्लोप्रोपेन शोज रिएक्शन विथ ईज, साइक्लोब्यूटेन में रिएक्शन होता विगरस कंडीशन में, और साइक्लोपेंटेन ऑनवर्ड्स सारे साइक्लोअल्केन्स में, सारे साइक्लोअल्केन्स में ये रिएक्शन होता ही नहीं, करेक्ट। तो इस रिएक्शन का बेसिस है ऑन द ओवरलैपिंग, अगर साइक्लोपेंटेन और हायर साइक्लोअल्केन्स है तो इनकी ओवरलैपिंग परफेक्ट है, मैक्सिमम ओवरलैप, मतलब बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, वेर एज साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन ये दोनों में बॉन्ड इज वीकर, क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग अधूरी है। अधूरी ओवरलैपिंग को दिखाने के लिए हमने ये ट्विस्टेड बॉन्ड्स, बेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेंट बॉन्ड थ्योरी, बेंट बॉन्ड थ्योरी, बिकॉज द बॉन्ड्स आर बेंट, कोई चीज ऑलरेडी बेंट रही, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, सो इट विल बी वेरी इजिली ब्रोकन, इट कैन बी वेरी इजिली ब्रोकन, एंड दैट इज वॉट कोल्सन सेज अबाउट अनस्टेबिलिटी या रिलेटिवली रिएक्शंस अकर फॉर साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, वेर एज ऑल द अदर साइक्लोअल्केन्स लाइक साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, ऑल ऑफ देम दे डू नॉट शो एनी एडिशन रिएक्शंस। डू लाइक, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड आई विल बी अपडेटिंग यू विथ मोर टॉपिक्स ऑन द सिलेबस। थैंक यू सो मच, कीप लाइकिंग।